ये वाले कैसे दिए? हेलो, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर से मार्केट जा रही हूँ और आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूँगी कि मैं कौन से मार्केट गई हूँ और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही है और कौन सी चीज़ किस रेट पर है। मैं सब आप लोगों को दिखाऊंगी आने के बाद, क्योंकि अभी 2 दिन बाद होली है। मुझे भी नहीं पता कि होली का मार्केट कैसा रहता है, और वैसे तो भीड़ तो होगी वहाँ पर। अगर मैं लेकर आऊँगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। तो चलते हैं फिर। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बस अब तो हम लोग अभी मार्केट के लिए निकल गए हैं। और ये जो देख रहे हैं, ये है कलेक्ट्रेट ऑफिस है इंदौर का। ये आप लोग को तो पता ही है इंदौर का कलेक्ट्रेट ऑफिस कहाँ पर है। तो बस मैं वहीं से जा रही थी और उसके बाद अभी ये स्टार्ट हो चुका है राजवाड़ा, मैन राजवाड़ा मार्केट है जो स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए, और यहाँ पे सब अभी ये कुर्ते वगैरह और इनका सेट मिलता है। ये जो सेट मिलता है ये 300 रुपीज़ का रहता है, और अगर इससे हैवी रहते हैं तो वो 400 के रहते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं रहता है। और ये है राजवाड़ा की जो बिल्डिंग दिख रही है सामने आपको, यहाँ पर अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये कहीं टाइम हो गया था, अभी तक ये बनी रही है, मतलब बनी तो है पर इसको थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो मेन मार्केट है राजवाड़ा का जो सर्कल रहता है, ये वहाँ ये वही वाला है। और उसके बाद यहाँ पर अब है मंदिर, तो फिर मैं अब मंदिर के अंदर जाऊँगी और आप लोग को बस थोड़ा सा एक छोटा सा क्लिप बताऊँगी। तो मैं बस अभी इंटर हुई हूँ और ये देखिए यहाँ, और यहाँ पर हम थोड़ा और आगे जाते हैं तो यहाँ पर दुल्हन वगैरह के लहंगे वगैरह है, साड़ियाँ हैं जो बहुत ही सुंदर सुंदर सी है, और बहुत सुंदर लहंगे हैं, रिजनेबल रेट है इनका भी, और बहुत ही अच्छे लहंगे और बहुत ही प्यारे थे। और फिर इसके आगे हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं तो ये जो झुमके वगैरह की छोटी सी आप देख रहे हैं इनको, तो ये है सारे 20 या 30 रुपीज़ के। और फिर उसके बाद मैं अब आ गई हूँ अंदर की साइड, और यहाँ पर है छोटे छोटे से अब शॉप वगैरह हैं। और मैं यहाँ पर फिर यहाँ पर खाने पीने की भी चीज़ें थी, मीठे में हो गया, नमकीन में हो गया, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉस्मेटिक की जो शॉप वगैरह रहती है वह भी थी, और यहाँ पर एक छोटी सी शॉप लगी थी कॉस्मेटिक की, तो यहाँ पर 20 या 30 या 40 रुपीज़ के आसपास थे। और ये जो शूज़ वगैरह दिख रहे हैं, ये बहुत ही प्यारी और अच्छी शॉप है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के भी मिल जाएंगे, बड़ों के भी मिल जाएंगे, और आप जैसा लेना चाहोगे वैसे मिल जाएंगे। और सबके 120, 150, 200 या 250 के समथिंग था, और बहुत ही अच्छी बेलीज वगैरह थी यहाँ पर, और बहुत ही अच्छी प्राइस थी इसकी। फिर इसके बाद हम लोग आ गए हैं नेकलेस की शॉप पर, ज्वेलरीज थी यहाँ पर, बहुत ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर ज्वेलरीज थी। और यहाँ पर नेकलेस था, गले का नेक था, और इयररिंग्स थे, तो ये इन सब का पेयर था 200 के समथिंग था और 250 के समथिंग था, और बहुत ही अच्छी ज्वेलरीज थी। और यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं बहुत ही अच्छे, जो ऑनलाइन अभी बहुत ही काफ़ी ट्रेंड में है, बहुत ही अच्छी लग रहे थे बैंगल्स वगैरह, तो इसके रेट थे 150, 130 के समथिंग था, और बहुत ही अच्छे लग रहे थे मुझे तो। लेना तो चाह रही थी मैं, पर मैंने लिया नहीं है क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत भी नहीं थी इसलिए, बाकी तो मुझे ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पर फिर से, ये जो चूड़े वगैरह के दुल्हनों के सेट में रहता है वह भी थे, बहुत सुंदर सुंदर थे। यहाँ पर नेकलेस वगैरह यहाँ पर भी थे, और ये आर्टिफिशियल है, जितने भी सब आर्टिफिशियल है, पर ये अंकल बोल रहे थे कि इनकी पॉलिश वगैरह नहीं निकलती है, बहुत ही अच्छे हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ सराफा की गली में, जहाँ पर गोल्ड के मतलब गोल्ड की शॉप वगैरह है, तो बहुत ही अच्छी ज्वेलरीज वगैरह मिलती है यहाँ पर। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और यहाँ पर ये देखिए
पर्स वगैरह है, और यहाँ पर बच्चों के भी पर्स मिल जाएंगे, बड़ों के भी मिल जाएंगे। बच्चों के 100 के समथिंग था और बड़ों के थे 120-150 के समथिंग था। और बहुत ही अच्छे अच्छे पर्स थे यहाँ पर भी, पार्टी वेयर भी थे और डेली वेयर भी थे। तो आपको जिस टाइप का कैसे जिस टाइप का जैसा भी पर्स लेना है तो आप देख सकते हैं यहाँ। फिर उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, जहाँ पर बच्चों के कपड़े और फ्रॉकें और बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों की, जो बहुत ही अच्छी सुंदर और बहुत ही प्यारी प्यारी फ्रॉक थी। और आप जैसे अभी आपको रेड मतलब ऐसा भी नहीं लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा रेड के हैं, ऐसा भी नहीं था, बहुत ही अच्छे रेड के थे कपड़े फ्रॉक बच्चों के। और ये देखिए होली है तो होली के लिए टी शर्ट्स वगैरह तो वाइट कलर की मिल ही रही है। और ये वाला निकाल दे, मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि मतलब इतना अच्छा यह मार्केट है, अगर अपन कुछ भी सामान लेना चाहते हो तो रिजनेबल रेट पे मिल जाएगा। और बहुत ही मतलब इतनी भीड़ रहती है शादियों के टाइम, तो बहुत भीड़ रहती है, सब लोग आते हैं इंदौर के राजवाड़ा मार्केट में। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये कौन से कपड़े हैं? वो लहंगे वगैरह के चुन्नी। अच्छा, क्या मीटर से दिया सब? अलग अलग रेट है।